ऑल वेलकम, दिस इज़ ज्योति, शी इज़ कॉफ़ी, वेलकम टू माई चैनल। इसको वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए लेके जा रही हूँ एंड सोचा आप लोगों से कनेक्ट करूँ, कुछ चीज़ों पे आज सोचा आपसे डिस्कस करूँ कि बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट है कि यू नो द फीमेल डॉग्स अगर हैं तो कैसे रखें। द मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो दे प्रिफर टू हैव मेल डॉग्स। तो हमारी कॉफ़ी तो एक फीमेल डॉग है, तो कैसे मैनेज करें, कैसे बाहर जाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक छोटा ग्राउंड है हमारे घर के नज़दीक, जहाँ पे सवेरे एंड शाम को है ना बच्चे खेलते हैं फुटबॉल एंड ऑल क्रिकेट। तो अभी मैंने देखा कि ये ग्राउंड खाली है। नॉर्मली वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग खाली रहेगा, या तो थोड़ा लेट इन द इवनिंग जो है वो खाली होगा, बट आज पता नहीं कैसे इस वक्त खाली है। तो हमने थोड़ा चांस ले लिया और मैं कॉफ़ी को इस ग्राउंड में लेके आई हूँ। और ये ग्राउंड में ही आके वो कॉफ़ी इतनी खुश हो जाती है कि दौड़ना कूदना शुरू कर देती है। ये जो ग्राउंड है ये पूरा रेड, जो अपनी जो लाल मिट्टी होती है एकदम जो कलर वाली, जो लगे तो निकले नहीं, ये वैसे टाइप की यहाँ पर मिट्टी है। बट मैं कॉफ़ी को रोज़ नहीं लेके आ सकती यहाँ पे, क्योंकि वो मिट्टी में खेलेगी एंड मैं रोज़ उसको नहला तो नहीं सकती हूँ। मैं तो इसको मैं वंस इन अ वीक कभी मैं लेके आती हूँ। तो नॉर्मली इसका जो है ये वेनसडे का जो है ये कॉफ़ी का टाइम है मॉर्निंग में नहाने का, तो अर्ली मॉर्निंग वेनसडे में लेके आती हूँ। हम जस्ट अभी वॉक करके आए हैं, कुछ एक शाम के 5:30 बजे हैं, थोड़ी सी धूप है। ये पीछे जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये एक अच्छे से एक अच्छा एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो उसी के बाहर हम बैठे हैं। कॉफ़ी भी थोड़ी थक गई थी वॉक करके, तो सोचा यहीं पे बैठ जाएं। जैसे हम कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि फीमेल डॉग्स को बाहर जब हम लेके जाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान दें, क्या करें। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है नॉर्मली, बट सिर्फ जो बाहर जो दूसरे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे थोड़ा सा जो है इनको थोड़ा बचाना ज़रूरी है। और सिर्फ फीमेल डॉग्स को नहीं, कोई भी डॉग्स हो, क्योंकि कोई भी डॉग हम जब भी लेके जाते हैं, जो भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल डॉग हो, तो वो थोड़ा अटैक करने की कोशिश करते हैं। और बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं हमेशा अपने साथ ऐसे एक छड़ी रखती हूँ, आप कुछ भी आप अपने साथ में एक रखें एंड सो दैट अगर कोई नज़दीक अगर आए सो यू नो यू कैन प्रोटेक्ट योर बचाज। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपसे मिलूँगी कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जब इनको लेके जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान दें, कैसे उनको कंफर्टेबली लेके जाएं, आप भी इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें फेस हम करते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, चाहे कोई भी ब्रीड हो कोई भी साइज़ हो, ये उन चीज़ों के ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।